अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मेगा डिबेट आरिफ अजाकिया एंड ब्रिस्टर हामिद बिशाली, और ये सरहद के उस पार से वीडियो है उनका। बहुत ही जबरदस्त डिबेट होती है, वीडियो लंबा है इसलिए टू पार्ट्स में करने की कोशिश करते हैं। आइए मिलकर देखते हैं पहले ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान बना ही फौजियों के लिए और उनके मुल्लाओं के लिए है। मौलवियों के जरिए पूरे मुल्क में मदरसे फैलाए गए, अपने जो प्रचार है वो किया गया। दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में दफन हो चुका है। अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था तो फिर बांग्लादेश क्यों बनाना पड़ा? अगर रिलीजन इज सो स्ट्रॉन्ग ए बॉन्डेज, तो बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से आजादी क्यों लेनी पड़ी? सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने, और उनके साथ साथ हमें एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड पर ज्वाइन किया है यूरोप से आरिफ अजाकिया साहब ने। आरिफ साहब और हामिद साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों का सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आरिफ साहब और हामिद साहब, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं ये सोच रहा था आज के प्रोग्राम को, तो फिर मुझे याद आया कि जब मेरा जो ताल्लुक है, जो लोग नहीं जानते, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर इलाके से है। तो हमारे यहाँ पर पीटीवी जो है वो अगर आप थोड़ा सा एंटीना को यहाँ वहाँ घुमाएं तो आ जाता है उसकी उसकी जो कवरेज है। तो मैं बहुत छोटा था तब एक प्रोग्राम आया करता था, एक क्विज शो जिसको तारिक अजीज साहब होस्ट किया करते थे, और उसी दौरान हिंदुस्तान में भी एक बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, हमारे यहाँ पे भी एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो आया करते थे। तो उसमें आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी हैं, मिडिल स्कूल के भी हैं, सीनियर सेकेंडरी वगैरह के बच्चे भी हैं, सबसे सवालात होते थे साइंस के मुतालिक, जनरल नॉलेज क्विज शो। तो उन दोनों क्विज शो को देखकर मैं अक्सर कहेगा कि ये अपने दोस्तों से कहता था कि यार बड़ा बोरिंग है ये बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, जब देखो यहाँ वहां की दुनिया की बातें करते रहते हैं, और अगर शो देखना है तो तारिक अजीज साहब का शो देखो, उसमें बैतबाजी हुआ करती थी और वो हमें बड़ी अच्छी लगती थी। तो जब बड़ा हुआ उसके बाद ये एहसास होने लगा धीरे धीरे कि शायद दोनों मुल्कों में यही फर्क है, और वो बैतबाजी जो उस वक्त बहुत अच्छी लगती थी, बाद में ये लगने लगा कि ये लोग शायद अपने ही बबल में रहते हैं। ज्यादातर जो सवालात होते थे वो या तो इस्लामिक हिस्ट्री को लेकर होते थे या फिर इस्लाम जो एक मजहब है उससे जुड़े हुए, और कुछ रह गया तो वो फिर जो है कयाम पाकिस्तान को लेकर जो भी सवालात हैं, या पाकिस्तान बनने के बाद में जो भी शहादतें दी गई हैं फौज की तरफ से उसके ऊपर हुआ करते थे। तो अगर हम दोनों मुल्कों को समअप करें और एक सोच को समअप करें, एक है जो दुनिया से कदम मिलाकर चलना चाहता है, दूसरा है जो अपने ही बबल में रहना चाहते हैं, दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। क्या आप मेरे इस एनालिसिस को दुरुस्त समझते हैं? मैं सबसे पहले आरिफ साहब, क्यों आप चूंकि हमारे नए मेहमान हैं, मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखें जी, काफ़ी हद तक जो आपने बातें की हैं वही असल फसाद की जड़ या मसले की जड़ है कि हमारे यहाँ एक गलत स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम पे एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है। अब जो आपने मिसाल दी है तारिक अजीज़ के नीलाम घर की, तो वाकई उसमें सही था। हमारी हिस्ट्री शुरू ही 1947 से होती है, उसके पीछे पता नहीं हम क्यों शर्मिंदा होते हैं अपनी हिस्ट्री बताते हुए या अपनी ओरिजिन बताते हुए। और शुरू से देखें, आपका जो पहला सवाल वो है कि ये जो तारिक अजीज़ का शो है उसकी लिमिट जो एजुकेटिंग था ना एक तरह का, तो एजुकेशन की जो लिमिट थी वो 1947 हो गई या इस्लामिक हिस्ट्री हो गई। इंडिया के बारे में हम बात करते हुए सिर्फ हमारे इन्वेडर्स जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका जिक्र करेंगे, कभी हम
किसी हिंदू रूलर का या जिक्र करेंगे भी तो ये कहेंगे कि वो हिंदू महाराजा थे, अपनी आवाम पे जुल्म करते थे और मुसलमान उनको बचाते थे, और ये डिस्टोर्टेड हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है। आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। हामिद बशानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नीलाम घर पहले उसका नाम था प्रोग्राम का, फिर वो तारिक अजीज शो बना, और अब आजकल शायद उसको बज़्म में तारिक कहते हैं। मैं कभी कभार आज भी उसको देख लेता हूँ, और उसमें जो बच्चे जो शेर व शायरी करते हैं, बाज दफा तो ऐसा होता है कि वो जैसे हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गए हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं, तो वो जो थोड़े से अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वहां भी वही बातें हो रही होती हैं। तो इस मुल्क का जो एटीट्यूड है, ये इस दुनिया के साथ चलने का, ये आखिर कब ठीक होगा? कब लोगों को अकल आएगी कि हम बहुत पीछे रह गए हैं? देखें जी, अगर उस नुक्ता नजर से देखा जाए ना, तो जो तारिक अजीज साहब हैं, जिनको आपने मिसाल के तौर पे पिक किया है, वो जो पाकिस्तान टेलीविजन पे या सरकारी मीडिया पे जो लोग बैठे होते थे, उनमें से कई हजार दर्जे प्रोग्रेसिव आदमी है, कई हजार दर्जे। तो उस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि अगर मुल्क का एक इतना प्रोग्रेसिव आदमी जो है वो ऐसी बातें करने पे मजबूर है या ऐसी बातें करता है, तो उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह ये रही है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो था ही 100% जो है गवर्नमेंट की कंट्रोल में, नंबर एक। नंबर दो ये था कि एक गाइडलाइन थी, और अब भी है, बल्कि अब और ज्यादा सख्त हो गई है अनफॉर्चुनेटली। गाइडलाइन ये थी कि आप किस चीज पे बात कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब तारिक अजीज बात हो रहे, मुझे पता है कि वो कितने घूंट उसने पिए होंगे अपने इतने 30-40 साल कैरियर में, जो बात वो करना चाहता था कभी नहीं कर सका, और जो बात कर रहा था वो उसके दिल की बात नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बाई नेचर और बाई एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव आदमी है। तो उसको अगर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह ये थी कि जो हमारी हिस्ट्री है, जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया है आपके सामने, कि जब हम उसको छेड़ते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें छिड़ जाती हैं जो वो छेड़ना नहीं चाहते, और वो कहते ये हैं कि जो चीजें सेटल हो चुकी हैं उनको मत उधेड़ो दोबारा, क्योंकि उनको अब दोबारा खोलते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, उनको समेटना मुश्किल हो जाता है, उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं ना जो आपने ख्वाब बनाए और फिर बखेरे। तो उसके लिए फिर मसलन आपने खुद ही कहा, बात यह है कि हमारी तारीख ही असल में 47 से पहले की है, जिसको आप शानदार तारीख कह सकते हैं। अगर फिरका वारियत से ही सोचे हैं तो हमारा ताल्लुक जाके मुगलों से ही जुड़ता है ना, तो मुगलों ने जो है वो जुल्म किए होंगे या गलत काम किए होंगे, लेकिन जो एक सुनहरी दौर होता है या आपके गुरूर और तकबर का अगर कोई तरीका चाहिए, तो यही शहनशाही थे ना माजी में, जिनको लोग अपना गुरूर और तकबर बना के पेश करते हैं। तो हम उनसे क्यों शर्मिंदा हों? हम तो उनको मजीद बना तना के पेश कर सकते हैं। अकबर से बड़ा बादशाह कौन था इस कायनात में? उससे बड़ा सेकुलर कौन था? उससे बड़ा इंसान दोस्त कौन था? तो उससे हम क्यों शर्मिंदा हों? लेकिन हम जब अकबर से शुरू करेंगे, तो उसके बाद फिर हमारी नौजवान नस्ल पूछती है कि फिर आपको क्या तकलीफ थी भाई, जब वो मुल्क भी आपका था, बादशाह भी आपके थे, तारीख भी आपकी थी, धरती के बेटे भी आप थे, ये सारा आपका जो है वो इन हेरिटेज एवरीथिंग ये था, तो फिर ये आपने बीच से ये जो बात निकाली, ये क्या निकाली? तो उससे फिर एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जिसको हम दो कामी नजरिए की बहस कहते हैं। तो फिर दो कामी नजरिए की बहस कोई भी खोलने के लिए तैयार नहीं, इसको एक ताबू बना के तो उन्होंने रख दिया, एक मुकदस चीज बना के, कि इसको आपने छेड़ना नहीं है। हालांकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद जो है पाकिस्तान बनने से पहले ही कुछ दिन पहले कह दिया था कि दो कामी नजरिया अब आज के बाद खत्म है। उनकी जो 11 अगस्त की तकरीर है, उसका लुबे लबाब यही है कि दो कामी नजरिया पाकिस्तान में नहीं चलेगा, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको मुसल्लत किया। इसलिए हम हिस्ट्री से भी कतराते हैं, इसलिए हम अपने माजी को क्लेम करने से भी घबराते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि तारीख जो है अगर 47 से शुरू होती तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं था। चलो पिछली को जो है पंजाबियों की जबान में माटी पाओ, वहां से शुरू करो, लेकिन हमने उसको ले जाके इधर जोड़ दिया दूसरी तरफ, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, मसलन अरबों की तारीख से जोड़ दिया कि जी हम तो बच्चे को पढ़ाएंगे 12वीं सदी से लेके जो शहनशाह थे या जो हमारे जो मुसलमान सुल्तनतें थी
उनसे शुरू करेंगे, उनके साथ ताल्लुक जोड़ेंगे, हालांकि वो जुड़ता नहीं। तो ये कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये खुद हर जो सेंसेबल माइंड है वो इस पर बड़े बुरे तरीके से जो है वो शर्मिंदा है, और कई लोग इसमें बड़े डिप्रेशन फील करते हैं कि भाई ये हमने ऐसा एटीट्यूड क्यों अपनाया हुआ है। ये कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान में, इसको फैलाने में सबसे पहला जो काम किया वो तो कायदे आजम ने खुद किया। आप एक मजहब के नाम पर मुल्क बनाते हैं और बाद में 11 अगस्त की अपनी स्पीच में कहते हैं नाउ हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम विल सीज टू बी मुस्लिम्स, आपकी इबादतगाहों से हमें कोई मतलब नहीं है और सब बराबर हैं और फला फला फला, वो स्पीच हम सब ने सुनी है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? उसके बाद में जब दो कौमी नजरिए की बिना पर आपने मुल्क बना लिया है और बनाते ही आप कह रहे हैं कि अब दो कौमी नजरिया नहीं होगा, ये क्या बात हुई? ये तो आप उससे पहले भी अगर आप देखें गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब को भी ये बात कही गई कि जी पूरे हिंदुस्तान में दो कौमी नजरिया लागू है लेकिन पंजाब और बंगाल में नहीं है क्योंकि पंजाबी पहले पंजाबी है और बंगाली पहले बंगाली है। तो माउंटबेटन ने कहा कि जिना ये तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तुम क्या बात कर रहे हो? खैर थोड़ा सा आप इसके ऊपर बात करें, ये कंफ्यूजन तो सबसे पहले जिन्ना साहब ने खुद फैलाया है साहब। जी हामिद साहब मेरा सवाल आपसे। अच्छा, बहरहाल मैं तो इसको कंफ्यूजन नहीं कहूंगा जी, जिन्ना ने इसको रिकंसाइल करने की बात की थी। सर देखें बात यह है कि जो तहरीक पाकिस्तान थी वो तो बेस करती थी दो कौमी नजरिए पे कि हमें पाकिस्तान इसलिए चाहिए कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ गलत है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान में अगर मजहब के हवाले से देखा जाए तो कई कौमें आबाद थी, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, बाकी को आपने बिल्कुल ही माइनस कर दिया, हालांकि वो भी कौमें थी, उनके भी मजाक थे। लिहाजा ये तो इस बहस में मैं समझता हूँ कि जाने का फायदा इसलिए नहीं है कि इसका फॉल आउट ही होता है जो वो कोई अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि फिर उससे बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुख्तसर ये है कि जिन्ना ने जो तकरीर 11 अगस्त को की वो उन्होंने रिकंसाइल करने की कोशिश की कि भाई ठीक है दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लेकिन अब पाकिस्तान का दो कौमी नजरिए से इसलिए ताल्लुक नहीं है कि अब हम यहाँ पे बहुत सारी कामें हैं जिनके अपने अपने हकूक हैं और उनको हम हकूक देना चाहते हैं। यानी ये माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने और खसूसन जो हिंदू बरादरी है उसकी माइग्रेशन रोकने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया फार्मूला जो है वो सामने पेश किया, तो इसको मैं रिकंसाइल समझता हूँ। मैंने सम कंट्राडिक्शन की बात तो क्लियर है सर, वो तो पीछे से आपने खुद ही बता दिया, जो मैं समझता हूँ कि माउंटबेटन का सवाल था वो बड़ी हद तक दुरुस्त था। लेकिन इस बहस में पड़े बगैर बात यह है कि हिस्ट्री में जो है वो बड़ी से बड़ी अजीम तरीन शख्सियात जो होती हैं वो भी गलती से मुबर्रा नहीं होती। मैं अंबिया कराम की बात नहीं कर रहा या औलिया कराम की बात, वो चूँकि एक मजहबी मामलात हैं मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनके जो पैरोकार हैं उनका ख्याल है कि उनसे कभी गलती नहीं होती या इमाम मासूम होते हैं या वगैरह वगैरह, वो उससे बाहर निकल के पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि कोई शख्स वो कितना अजीम है उससे गलतियाँ होती हैं और इतनी बड़ी होती हैं जितना वो बड़ा होता है। इसलिए मैं किसी एक शख्सियत को भी ये नहीं समझता कि वो इससे पाक था। बर्रसगीर में ये जो तीन आदमी थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये बर सगीर की तकसीम के तीनों जिम्मेदार हैं या नहीं है? इनमें से अगर एक भी जो है उस वक्त पूरे तरीके से इस चीज को समझ जाता कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, और न सिर्फ समझ जाता बल्कि उस पर इंसिस्ट करता कि नहीं जी इसका हम एक मुतबादल रास्ता निकाल सकते हैं। बर सगीर के अंदर जो ग्रीवेंसिस थे या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मुतालबात थे उनको कई तरीकों से अकोमोडेट किया जा सकता था, कई तरीकों से। जैसा कि मसलन फॉर एग्जाम्पल जो आप अल्लामा इकबाल के तसव्वुर के मुताबिक ही करते, जो उनकी डिमांड थी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरी हैं इन पर मुश्तमिल एक यूनिट बनाया जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो दैट वाज द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके अलावा कई सॉल्यूशन थे, और अगर कोई भी नहीं था तो खुदा के लिए अगर हम ये कहें कि ये बड़े लीडरों से गलतियाँ नहीं होती तो यही काम इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी कि एक मिलियन बंदे को आपने जो है वो टका दिया। उसका दूसरा तरीका भी था ना, इंसानों वाला तरीका भी इख्तियार किया जा सकता था ग्रेजुअली। जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कैबिनेट कमीशन के फेल हो जाने के बाद में जब जिन्ना साहब ने कहा कि हम तो पाकिस्तान लेकर रहेंगे और उसके लिए चाहे हमें कोई बड़ी से बड़ी हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे, और उस वक्त में जो बंगाल में हुआ
ठीक है, वो हम सब ने उसके बारे में पढ़ा है, मैं उसकी जरा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ऐसी बात कुरेदने वाली हो जाएगी साहब, मगर डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर जिस तरह से जिना साहब के ही इशारे पर सारा काम हुआ, तो ये तो तय हो गया था कि पाकिस्तान तो फिर बनना ही बनना है, अंग्रेज ने भी तय कर लिया था, और कहीं ना कहीं पर महात्मा गांधी और नेहरू भी इस बात को समझ चुके थे कि हमारी भलाई इसी में ही है कि हम अलग हो जाएं। मैं आरिफ साहब की तरफ आता हूं। आरिफ साहब, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम आए दिन सुनते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान का वजीर आजम हो या कोई भी बड़ा अहदेदार हो, जब भी वो हलफ उठाता है तो कहता है कि मैं दो कौमी नजरिए की सालमियत के लिए पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। तो वो इंसान जो पाकिस्तान के अंदर रहता है और जिसका यकीन पाकिस्तान के इस ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं है, तो वो पाकिस्तानी कैसे हो जाता है? और फिर ये कहते हैं नहीं, ये भी उतना ही पाकिस्तानी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी उतना ही पाकिस्तानी है। ये तो कंफ्यूजन फैलाने वाली बातें हैं। जब पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो पाकिस्तानी होने का मतलब वो है कि जो उस पर यकीन रखे। अब जिस जो यकीन नहीं रखता, वो पाकिस्तानी कैसे है? देखें, सबसे पहले मैं अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर थोड़ा मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। जी, मेरा श्योर श्योर, क्यों इसमें नहीं। बड़ा क्लियर नजरिया है कि जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ग्रेट ब्रिटेन की पोलें खुल गईं, जब लंदन पे बम्बार्डमेंट होने लगे, जब फ्रांस जर्मनी के कब्जे में चला गया, तो इनकी ताकत के पोलें खुल गईं, पूरी दुनिया पे इनका कब्जा था, कॉलोनीज थी। अब जब दूसरी जंग अजीम अमेरिका की मुदाखलत से ये लोग जीते, और फिर जब एक डीकोलोनाइजेशन का पीरियड आया तो इन्होंने इंडिया से जाना था। पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया इधर इंग्लैंड में बना था सदियों से, पूरे हिंदुस्तान में कभी हमने नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हों। ये दो कौमें सदियों से साथ रह रही थीं। ये बरतानिया की, ये सुपर पावर्स की ज़रूरत थी, एक बफर जोन क्रिएट करना था इन्होंने, एक उधर करना था इज़राइल, एक इधर किया। ये दो मजहब के नाम पे कंट्रीज बने हैं, ये बनाए गए हैं बफर जोन। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे चाइना, इंडिया, बड़े बड़े कंट्रीज, रशिया, पूरी दुनिया का रिसोर्सेज, दूसरी तरफ ऑयल, ये सब चीजें। उस सिनारियों में देखें तो कायदे आजम, पंडित नेहरू, ये सब स्टूजिस थे, एक तरह से मोहरे थे जिसको इस्तेमाल किया गया था। ये तो सुपर पावर्स की पॉलिसी थी, कोई किसी कौम का नजरिया नहीं था। अल्लामा इकबाल क्या थे, मलका बरतानिया के मरने पे रो रहे थे 4 दिन तक, शराब का गिलास पकड़ के उनसे जान नहीं छूट रही थी, वो बन गए मुफक्किर इस्लाम। ये हमारी डिस्टोर्टेड हिस्ट्रीज हैं। तो भाई साहब, बात दरअसल सिंपल सी ये है कि पाकिस्तान इन्होंने बनाना था, चाहे वो इस्लाम और हिंदू के नाम पे बनाते, किसी के भी नाम पे बनाते, उन्होंने एक कंट्री बनाना था, वो बना लिया। फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़ने थे, जूनागढ़, कश्मीर, ये वो। भाई इतनी बड़ी सुपर पावर हो, मुल्क छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के जाओ इंडिया सीधा सीधा। लेकिन एक इंडिया छोड़ के जाते तो वो तो टोटल डेवलपमेंट की तरफ जाता, कोई प्रॉब्लम ना होती, किसी से इशू ना होते। यहाँ इश्यूज छोड़े गए, डिवाइड किया गया, और पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान की आर्मी चली गई अमेरिका और इंग्लैंड के कब्जे में, उनके उनकी एजेंट बन गई, उनका एजेंडा पाकिस्तान में इम्पोज किया गया है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले उनका अहमदी होना कार्ड यूज किया गया कि भाई वो अहमदी है, ये है, वो है। मेरा सवाल ये है कि क्या अहमदी होने से वो कम पाकिस्तानी हो गए? अहमदी भी इंडिजीनियस पाकिस्तानी है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली सेज इन द बिगिनिंग के डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पाकिस्तानी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर। लेकिन पाकिस्तान में तो फौरन बाजवा की एक्सटेंशन को लेके अहमदी, इमरान खान ने एक इकोनॉमिस्ट रखा तो बोला जी वो तो अहमदी है, उसको रिजाइन करना पड़ा। तो पाकिस्तान बना ही फौजियों के लिए और उनके मुल्लाओं के लिए है, मौलवियों के जरिए पूरे मुल्क में मदरसे फैलाए गए, अपने जो प्रचार है वो किया गया। दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में दफन हो चुका है। अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था तो फिर बांग्लादेश क्यों बनाना पड़ा? अगर रिलीजन इज सो स्ट्रॉन्ग ए बॉन्डेज, तो बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से आजादी क्यों लेनी पड़ी? तो ये सब सुपर पावर्स के छोड़े हुए बफर
ढकोसले। आज मैं देख रहा था एक वीडियो जनरल हमीद गुल की, एक्स चीफ ऑफ आईएसआई, डीजी आईएसआई, वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर आप आर्मी चीफ लगा ही नहीं सकते, और अमेरिका से पूछे बगैर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ अपॉइंट हो ही नहीं सकता। दिस इज द बॉटम लाइन। तो ये जी, गुलाम ये मैंने मुल्क भी है, देखा है वो वीडियो, बिल्कुल वो मैंने भी देखा है वो वीडियो, तो ये ठीक कह रहे गुलाम हैं। मुल्क है, क्रिएटेड फॉर गुलामी। चलें जी आरिफ साहब, चलें मेरे सवाल की तरफ आते हैं अब। तो ये बताएं कि जिसका यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं हो, क्या वो कम पाकिस्तानी है? वही मैं भी सवाल कर रहा था ना कि भाई जी अगर एक आदमी का पता चल जाए कि वो कादियानी है, तो क्या वो कादियानी होने की वजह से कम पाकिस्तानी हो गया? वाई दे डोंट हैव इक्वल राइट्स? ठीक है, चलें ये तो इवन एक, अगर, एक जी इवन जी अगर एक माइनॉरिटी है, अलल ऐलान अपनी माइनॉरिटी होने का ऐलान करता है कि आई एम ए हिंदू और आई एम ए क्रिश्चियन, तो भी वो इक्वल राइट्स का हकदार है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। चलें जी, चलें पाकिस्तान बन गया है, जैसे भी बना, जो कुछ भी हुआ, जो भी जिम्मेदार है, पाकिस्तान बन गया है। अब अपने मुल्क से मोहब्बत तो हर इंसान को होती है, हर इंसान यही चाहता है कि मेरा मुल्क दुनिया में तरक्की करे, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो ये अपने आप को दुनिया से कदम मिलाकर क्यों नहीं चलाना चाहते, ये अपने ही बबल में क्यों रहना चाहते हैं, ये बताएं आरिफ साहब। इससे होगा क्या, इससे नुकसान किसका है अल्टीमेटली? इंडिया का नुकसान है या कोई मगरिब का कोई है इसमें नुकसान? एक रूलिंग ओलिगार्की है ना पाकिस्तान में, जिसमें आर्मी इज लीडिंग दैट रूलिंग ओलिगार्की, बाकी इसमें जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। वो पॉलिटिशियंस 100-150 हैं मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जो हर इलेक्शन से पहले आईएसआई के कहने पे अपनी पार्टी छोड़ के अगली जीतने वाली पार्टी में चले जाते हैं। ये फवाद चौधरी हुए, ये फिरदौस आशिक एवान हुई, ये सबकी हिस्ट्री है, ये हर पार्टी में मिनिस्ट्रियों पर रहे हैं। तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक रूलिंग ओलिगार्की ने बबल में रखा हुआ है इनको। इनके शानदार माजी, ग्लोरीफाइड हिस्ट्री के तरफ ही रखा जाता है कि गजनवी ने ये क्या। आज फिरदौस आशिक ऐवान फरमाती हैं, इग्नोरेंस की इंतहा देखें, वो फरमाती हैं कि पानीपत फिल्म रिलीज हो रही है, इसमें अहमद शाह अब्दाली का चेहरा मस्क किया गया है, तारीख को डिस्टोर्ट किया गया है, एक हीरो को विलन बना के पेश किया गया है। अरे फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, ये जो अब्दाली जब हमला करने आया था, तो सियालकोट जो कि आपका इलाका है, सबसे पहले वो तबाह हुआ था, वहां की औरतों की बेइज्जती की थी, वहां की फसलों को आग लगाई थी। ये किस किस्म के बबल में रह रहे हैं कि अपने इन्वेडर्स को, जो जब हिंदुस्तान पे हमला करते थे तो आज का पाकिस्तान तबाह हो जाता था, फिर ये एंटर होते थे हिंदुस्तान में। ये अपने माजी को तबाह करने वाले लोगों को हीरो मानते हैं, ये किस किस्म का बबल है? ये ये तो पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की का ये मकसद है कि आवाम को एक डिस्टोर्टेड हिस्ट्री, एक खौफ का माहौल, और एक पूजा की हद तक अपनी आर्मी की पूजा करो, उसको नजात दहिंदा समझो। आप समझो ये कि आप जिंदा ही इसी वजह से हो कि आपके पास ये आर्मी है, वरना तो आप मार दिए जाते। भारत बैठा हुआ है बराबर में, इतना बड़ा राक्षस है, वो आपको खा जाता, सिर्फ ये आर्मी की वजह से आप बचे हुए हो। ये एक हमें बचपन से सिखाया जाता है, एक डिस्टोर्टेड हिस्ट्री, एक बबल, आप सही कह रहे हैं, बना के हमें उसमें डाला हुआ है और हम उसी में मस्त हैं। पाक फौज जिंदाबाद, ये नहीं देख रहे कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इस फौज का और इसकी जो स्टूजीज हैं उनका हाथ है। फ्यूडल लाहौर, लॉर्ड सबसे बड़े स्टूज हैं पाक फौज के। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाहौर को जलाने वाला जो महमूद गजनवी है, उसका गवर्नर अयाज, उसके नाम का मकबरा है आज भी लाहौर के अंदर। हाँ भाई जी, वारिस शाह ने तो कहा था या बुल्ले शाह ने कहा था, पता नहीं क्या कहा था, कि जो ये चीजें हैं बस हमारी हैं, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली की हैं, हाँ खाया, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा बाबा कुछ कहा बुल्ले था, शाह ने कहा था, खाया पिया लायदा बाकी अहमद शायदा, कि जो खा लिया ऐसा। पी लिया पहन लिया वो तो आपका है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएगा वो लूट के ले जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, लेकिन हम जी ये क्या फिरदौस आशिक ऐवान आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हैं? मतलब आप इंतहा देखें इग्नोरेंस की। आपकी चलें आर्मी अपने मिसाइलों के नाम रख दिए, अब्दाली, शाहीन, गौरी, गजनवी, अरे ये सब हमें लूटते रहे, हमारे आबाओ अजदाद को। इनसे आप क्या गिला करेंगे या क्या शिकवा करेंगे? भेड़ जी बकरियों की कौम बनाई हुई है। जी मैं हामिद बशानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। बशानी साहब, ये तो वो बातें हुई जो तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है,
और जो कौमें तारीख से सबक नहीं लेती हैं वो आगे भी उन्हीं गलतियों को रिपीट करती चली जाती हैं। आज पाकिस्तान आपकी नज़र में क्या उन्हीं गलतियों को फिर से रिपीट कर रहा है? अगर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ ट्रेड करे, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हों, तो इनको चाहिए कि अपने मुल्क में ट्रेड के लिए अच्छा माहौल बनाएं, बच्चों को आप जो हैं जो मॉडर्न ट्रेड जिस तरह से होती है उसके उसको करने के लिए उसको काबिल तो बनाएं। आज के बच्चों को अगर आप दुनिया की जो तालीम है, जो स्टैंडर्ड है, उस पर लेकर आएंगे तो ये आगे चलकर अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। फिर इनका जो है दुनिया के जो भी मुल्क हैं वहां पर कोई आपस में ट्रेड होगी, उनसे बातचीत होगी, धीरे धीरे ये भी फिर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब यही एजुकेशन सिस्टम जो आपने आज भी आप उसको चला रहे हैं और बच्चों को वही सब सिखा रहे हैं, तो ये आगे चलकर ये सूरत हाल बदलेगी, तो बदलेगी कैसे? मसलन इमरान खान साहब ने आज से 2-3 साल पहले एक बयान में कहा कि ये जो 25 लाख बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप इनके ऊपर रहम करें, ये आगे आने वाले पाकिस्तान में इनका क्या मुस्तकबिल है? आप इन इन सबको इमाम तो नहीं लगा सकते ना किसी न किसी मस्जिद में? इनको भी इनको ये अगर आप इनको गवर्नमेंट जॉब्स में, ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं पे लेके आना चाहते हैं तो इनको भी वही एजुकेशन दें। और अब मैं जब देखता हूँ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, एक इवेंट था उनका आज से कुछ हफ्ते पहले, जिसमें वो मदरसे के बच्चों को अवार्ड दे रहे थे कि ये इनमें से ज्यादा अच्छा हाफिज़े कुरान कौन सा है। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां लानी होगी पाकिस्तान को ताकि इस सूरत हाल में कुछ चेंज आए? देखें, ये तो आप इतने मुश्किल किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। बात यह है कि एक जिस तरह आप एक स्टेज सेट करते हैं ना, अपने जो आपने ड्रामा करना है या प्ले स्टेज करना है उसके मुताबिक एक स्टेज सेट होता है। एक स्टेज आप सेट कर रहे हैं शादी के लिए, तो उसमें आप अगर बहुत बड़ी जंग का कोई ड्रामा प्ले करना चाहें तो वो हो नहीं सकता, उसके लिए स्टेज चेंज करना पड़ेगा, उसकी जो सेटिंग है ना वो बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो एक सेटिंग बन गई शुरू से, ये जो आपने अब्दाली वगैरह और दूसरा तीसरा बात की, ये सब उस सेटिंग की रिफ्लेक्शन है कि सेटिंग गलत हो गई। जब तक आप सेटिंग को रीसेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इमरान खान जो है, देखें जिस मुल्क में 25 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं मदरसों में, और उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में अपनी कुव्वत का भी इजहार किया है, तो उस मुल्क के वजीर आजम के तौर पे उसको अगर कहीं जाके अवार्ड देना पड़े तो वो ना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है। तो उसको आप अच्छा कर रही है बुरा कर रही है ये अलग बहस है, लेकिन ये फिर करना पड़ता है, इसलिए पहले आप सेटिंग चेंज करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सेटिंग बनाई गई ना, वो बिल्कुल आज के हालात को सामने उनकी जहन में था जो लोग ये स्टेज सेट कर रहे थे 1947 में। और मैं बार आज कहता हूं कि जब फौरन अभी पाकिस्तान बनने से भी 8-10 दिन पहले कायदे आजम अहमद अली जिना को कॉर्नर कर दिया गया था, उनके डिसीजन जो है वो डिसरिगार्ड होने शुरू हो गए थे, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का वो एक प्रोसेस था जिसमें के मुल्क के बानी को पॉलिसी मेकिंग से बाहर कर दिया गया। आप मुझे पाकिस्तान की एक पॉलिसी बताएं जिसमें के कायदे आजम अहमद अली जिना के नजरिया की कोई रिफ्लेक्शन आपको नजर आती हो। ये बहस मैं नहीं करता कि कायदे आजम अहमद अली जिना में कितने कॉन्ट्राडिक्शन थे या नहीं थे, लेकिन उनके कुछ नजरियात बड़े वाजे थे जिनमें आप बेशक कन्फ्यूजन ढूंढें। एक आदमी किसी मुल्क से अपने मजहबी बुनियादों पर अपने लोगों को अलग करने के बाद भी सेकुलर हो सकता है, सेकुलरिज्म के दरवाजे उसके लिए बंद नहीं हो जाते। जो हम कहते हैं ना कि अगर वो सेकुलर नहीं थे तो फिर उन्होंने मुल्क क्यों मांगा, चलो गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो सेकुलर होने का राइट तो उनका खत्म नहीं हो जाता। दूसरा ये है कि सियासत में नजरियात बदलते हैं हालात के मुताबिक और तारीखी जरूरियात के मुताबिक, उनमें मुनासिब तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मैं कहता हूं कि जो स्टेज इन्होंने सेट किया ना, वो झूठ पर मबनी है। और जब आपने झूठ पर मबनी एक स्टेज सेट किया हुआ है, उसमें आपकी तालीम, उसमें आपकी तारीख, उसमें आपका नसाब, उसमें आपके नजरियात, वो उस झूठ के इर्द गिर्द घूमते हैं और आपको हर हालत में उस झूठ को डिफेंड करना होता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मसलन बलोचिस्तान की मिसाल दे दें। हर बंदा बलोचिस्तान की बात करता है कि जी वहाँ लिब्रेशन की जंग है, या वहाँ पे मिलिटेंसी है, या वहाँ पे सिविल वार है, या वहाँ पे अनरेस्ट है, जो भी आप उसको नाम दे लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बलोचिस्तान इज ए प्लेस जो कि राइट फ्रॉम 1947 से लेके आज तक एक प्रॉब्लम है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता ना, इंक्लूडिंग जियाउल हक,
प्रॉब्लम से तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं जी वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की अपने अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अब ये क्यों है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, उसकी वजह वो झूठ का स्टेज है। आप जो है छोड़े इंडिया पाकिस्तान की प्रेस को, हालांकि वहां के अखबार भी आप निकाल सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे अखबार जो दिल्ली से निकलते थे या लाहौर से निकलते थे 1947 में, जरा उनको पढ़ के देखें, ज्यादातर अफसरोजे थे और आज भी कुछ लाइब्रेरियों में वो मैसर है। 12 अगस्त 1947 का न्यूयॉर्क टाइम का शुमारा जो है वो आप उठा के देखें, उसके फर्स्ट पेज पे मेन सुर्खी के साथ दूसरी सुर्खी ये है कि रियासत का लात का पाकिस्तान के साथ मायदा हो गया, ठीक है जी, मेन के साथ दूसरी सुर्खी है लेफ्ट हैंड पे, और उसमें डिटेल ये लिखी हुई है कि रियासत का लात ने पाकिस्तान के साथ मायदा कर लिया है कि वो जनाब रियासत खुद मुख्तार होगी और पाकिस्तान जो है उसकी कम्युनिकेशन और दीगर कुछ मामला जो है वो देखेगा, ठीक है। आप मुझे पाकिस्तान में किसी रिटन मटेरियल में, कोई तारीख की किताब किसी प्राइवेट आदमी ने लिखी हो, किसी चीज में ये बात बता दें कि पाकिस्तान बनने से पहले रियासत कलात के साथ पाकिस्तान का मायदा हो गया था, क्योंकि रियासतों के मायदे हो रहे थे पहले ही, 14 अगस्त से पहले रियासतें मायदे कर रही थी जो इंडिया के साथ कर रहे थे पाकिस्तान। अब आपने रियासत कलात के साथ एक मायदा किया तो किसने किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको जो है वो फाइनलाइज किया, तो वो मायदा जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद किधर गया, उसके बाद बलूचिस्तान को किस तरह पाकिस्तान में मर्ज किया गया, वहां पे फौज कैशी कैसे हुई, ये चीजें पाकिस्तान में किसी को हिस्ट्री में जाहिर नहीं पढ़ाई जाती। तो नतीजतन क्या पढ़ाया जाता है जी, कि बलूचिस्तान में कुछ खतरनाक लोग हैं या पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं जिन्होंने असला उठाया हुआ है और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये एक झूठ है, तारीखी झूठ भी है और फैक्चुअल इस वक्त झूठ भी है, लेकिन हम उसको झूठ बना नहीं कह सकते, चूंकि ये फिर उन लोगों ने जो झूठ गढ़ा था उस वक्त, वो अब भी उसी तरह जिंदा हैं, उसी तरह ताकतवर हैं और उसी तरह पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल है, तो वो झूठ जारी है। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो आपके गले में पड़ा हुआ था, अब पड़ा हुआ या नहीं ये एक अलग बहस है, वो कश्मीर था। अब वो भी एग्जैक्टली सेम है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह के साथ मायदा किया, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, कि जी हम आपकी जो है वो कम्युनिकेशन और ये खुराक और इस तरह की चीजों की देखभाल करेंगे, बाकी आप खुद मुख्तार रियासत हैं। उसके बाद वहां पे फौज कैसी कैसे हो गई पाकिस्तान की तरफ से, पठान कैसे दाखिल हो गए, उस मायदे का क्या हुआ, क्या आज तक कोई कहता है या किसी बच्चे को पढ़ाता है कि हमने कश्मीरियों के साथ मायदा करके तो फिर उनकी पीठ में जो है खंजर झुका था और फौजें भेज दी थी, और आज तक हम उस झूठ को संभाल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, कभी अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादें पेश करते हैं, कभी कहीं नारे लगाते हैं, कभी कहीं प्राक्सी शुरू कराते हैं, ये झूठ। अब इस तरह के को मेरे पास 120 झूठ हैं जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान के जो रियल पॉलिसी मेकर थे, और रियल पॉलिसी मेकर से मुराद सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उसमें कोई सियासतदान दूर दराज तक उनका कोई ताल्लुक नहीं हुआ, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या लियाकत अली खान हो, टोटली इरेलीवेंट, टोटली म्यूट और टोटली इनइफेक्टिव। तो जो रियल लोग थे ये इन्होंने बनाए जनाब वो पॉलिसियां बना के, तो फिर अपनी पॉलिसियों को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जिसको आप कहते हैं वो दे दी, कि जी हमारा ताल्लुक जो है वो जाके तारीख इस्लाम के साथ बनता है, बर सगीर के साथ नहीं बनता, हम एक मजलूम कौम है जिसको हिंदुस्तान निगलना चाहता है, बलूचिस्तान में जो है वो एक बगावत है जो पाकिस्तान दुश्मनों की है, कश्मीर पे हिंदुस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, ये सारी स्टोरियां जो आपने गढ़ी हुई हैं इनको अगर आप असल तरीके से जैसे मैंने अभी बताई, और मैंने को अपनी तरफ से नहीं बताई, जिसको मर्जी जाके आर्काइव खोल ले न्यूयॉर्क टाइम्स के, अब उन्होंने कर दिए उसको ऑनलाइन, तो जाके वेरीफाई कर लो। अब जनाब अगर आप ये कहेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम ने झूठी सुर्खी लगाई थी, तो ये तो कोई इस दुनिया का सेंसेबल आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो जाली पॉलिसियां हैं, झूठ हैं, ब्लंडर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसको आगे चला रहे हैं, और ये इसको कभी बदलने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूँ, चूंकि वो कैसे होगा उसका सिर्फ, अब बार बार आप ये सवाल पूछते हैं कि बबल में रहते हैं, बबल में रहना उनकी मजबूरी है, जब आपने अपनी आलमारियों में ऐसे ऐसे मुर्दे छुपा रखे हैं तो वो अलमारियां आप खोल कैसे सकते हैं, और जब आप खोलेंगे तो आप उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे और आपकी काम बर्दाश्त कैसे करेगी, क्या किसी हुक्मरान में ये जरूरत है कि वो खड़ा होके कहे कि हमने
बलूचों के साथ ज्यादती की थी, उनके साथ मायदा करके बाकायदा तहरीरी तौर पे, तो फिर उनको धोखा देके उन पे कब्जा कर लिया था। कैन यू से दैट पब्लिकली, इज देयर एनी रूलर इन पाकिस्तान? और जब तक आप ये नहीं कहते, और जब तक आप ये कहते नहीं, यू कैन नॉट रिकनसाइल। मैं ये कहता हूँ कि ये जो ट्रूथ और रिकनसाइल का प्रोसेस है, ये ओपन हो। आप पूछ रहे हैं ना कि बबल से कैसे निकले, और ये सारी गलतियां कैटागोरिकली तस्लीम करें कि ये हमने की, और ये गलतियां उन लोगों ने की जिनका कोई हक नहीं बनता था हुकूमत पर और पॉलिसी मेकिंग पर। लिहाजा हम जो है वो लोगों से माजरत करते हैं और नए सिरे से आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था सरहद के उस पार से, और बड़ी ज़बरदस्त डिबेट जारी थी, और इतना लंबा एपिसोड ना हो इसलिए इसको टू पार्ट्स के लिए रखा। तो असल बात क्या है कि पाकिस्तान जो इसका टॉपिक है, पाकिस्तान तेज़ी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की गई। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त मेहमान थे, आरिफ जाकिया साहब बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं, बड़ा उनके पास नॉलेज है। दूसरी तरफ हामिद बशारी साहब हकीकतों से इस तरह पर्दा उठाते हैं और वो सच्चाई को बिल्कुल सामने ले आते हैं, किसी भी डर झिझक और खौफ के बगैर हकीकत को सामने ले आते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान बना, और हम जैसे जो छोटे, हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं पाकिस्तान बनने का कोई मकसद ही नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनने का कुछ मकसद था। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया। अब कहते हैं कि जब पाकिस्तान बनने से पहले ही कैद आजम ने कह दिया था कि यहाँ पे उस दो कौमी नज़रिया और ये वो इस्लाम का वो जो उस चीज़ पे हम ये पाकिस्तान बना रहे हैं उसकी ही नफी कर दी थी। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हैं, जो बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो कि तारीख से बोले गए, तारीख से लेकर आज तक भी वही बोले जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ किसने देखना था, ये हमेशा से ही एक बड़ा सवाल है, और शायद ये सदियों तक पूछा जाता रहेगा कि ये पाकिस्तान की तरक्की का किसने सोचना था। अगर पाकिस्तान बनाने का मकसद ही कोई नहीं था, तो फिर पाकिस्तान के बारे में किसने सोचना था, किसने ये सारी चीज़ें करनी थी। तो बड़े ही सारे सवाल आते हैं, और ये आज तक हम सिर्फ इन चीज़ों को खंगालने पे लगे हुए हैं कि कौन सी रियासत ने हमारे साथ मुआहदा कर लिया था, कौन सी रियासत ने इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया था, कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान से साथ मिलना चाहती थी, और कौन सी रियासत थी जो इंडिया के साथ मिलना चाहती थी, और हम आज तक इन्हीं चीज़ों पर ही लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जो भारत है, जो इंडिया है, जो आज तेज़ी से तरक्कियों की बुलंदियों को छू रहा है, और मैं इसको तेज़ी से नहीं कहूँगा, ये जैसे चाइना, जैसे बाकी यूरोप, बाकी ममालिक तेज़ी से उभरे और उनकी मुश्तें स्ट्रांग होगी, भारत भी हो सकता था उस समय। लेकिन अगर ये चीज़ें इसके साथ ना की गई होती, अगर पाकिस्तान को बीच में से ना निकाला होता, अगर पाकिस्तान को बनाने का ये जो मकसद है उसके बाद कश्मीर का एक ज़ख्म दे देना और ऐसी ऐसी चीज़ों को बीच में डाल देना कि जो कल के यार दोस्त सज्जन थे वो दूसरे दिन ही दुश्मन बन गए एक दूसरे के। आरिफ जाकिया ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने तारीख में कभी नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम की कभी लड़ाई हुई हो। बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है। तारीख में अगर ये लड़ाई थी ही नहीं, तो फिर मकसद क्या था एक इस्लामिक स्टेट बनाने का? इस्लामिक स्टेट तो पहले से ही बहुत सारे थे, तो एक नया इस्लामिक स्टेट बनाने का, फिर वो इस्लामिक स्टेट बन भी ना सका। ये बीच में ही कहीं फंसे हुए हैं हम, और हमारी मजबूरी है आम आवाम की कि हम उस कश्ती में सवार हैं जिसका कोई मल्ला ही नहीं है, जिसको किनारे लगाने वाला कोई नहीं है। कश्ती भंवर में है, जैसे मर्जी उछकोले खाए, जैसे मर्जी गिरे, जैसे मर्जी खाए। तो जो इसको बनाने वाले थे वो दूर परे कहीं किनारे पर बैठे इंजॉय कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को आसाइशों से, लग्जरीज को इंजॉय कर रहे हैं। उसमें मुल्ला भी है, उसमें मिलिट्री भी है, उसमें जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है सब हैं। सियासतदानों को हमने सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया हुआ है और उन पर बदनामी का एक दाग लगाया हुआ है कि हमें को बंदा नहीं मिला जी जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाता। पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया ही नहीं गया। इस सारे जो हमने एपिसोड देखा, इसमें हर एक चीज़ का उसका खुलासा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया गया, क्या ऐसे मसाइल रखे गए। वाकई में जब टूटा वर्ल्ड वार के बाद
ब्रिटिश, तो उनकी ताकत टूटी जरा जरा हुई, लेकिन जहां जहां वो आजाद करते गए मुल्कों में, वहां वहां वो ऐसी चीजों को छोड़ते गए कि कल को ये हमारे मुकाबले पे खड़े ना हो जाए। तो यही वो सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान तेजी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। जो इतनी चीजों, इतने नासूर पाले हुए थे पाकिस्तान ने, आज वो आहिस्ता आहिस्ता इसको खुद ही डस रहे हैं। ये उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कमी, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जो इसका टीका और चूना लगाया गया है इस कौम को, वो आज तक भी चाह कर भी हम उससे नहीं निकल सकते, और शायद यही हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, कैद आजम ने जब पाकिस्तान बन गया था तो उन्होंने क्या था कि भाई पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने कह दिया था कि भाई पाकिस्तान तो अलहदा, यानी कि एक मुल्क अलहदा वजूद में आ जाएगा कलमे की बुनियाद पे, लेकिन वहां पे किसी और मजहब, किसी और मिनोरिटी को दबाने के नहीं, उनको तहफ़ देना है, उनको आज़ादी देनी है। जैसे आपको यहाँ इबादत करने के लिए आज़ादी है, तमाम मजहब को आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने तो तभी नफी कर दी थी, तभी तो इन्होंने उनको, उनके यानी कि सब खिलाफ हो गए थे कि नहीं कि भाई ये इन्होंने दो कौमी नजरिए सारा जो है वो इन्होंने एक साइड पे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान बना ही शराफिया के लिए था। पाकिस्तान बनने से पहले देखो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब इकट्ठे रह रहे थे। मुसलमानों की और हिंदुओं की आपस में शादियां हुई थी, एक दूसरे की खुशी गमी शामिल हो रहे थे। तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी? आजादी तो चाहिए थी अंग्रेजों से, जो कि एक बरेसगीर पाकिस्तान जो जिसमें वो खुद ही छोड़कर जा रहे थे, और वो खुद जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को अलहदा करने का ये नजरिया, ये ख्वाब किसने दिखा दिया इनको कि भाई आप ये आप अलहदा, ये खिते ही अपना अलहदा कर दो। तो आपको तो वाघा बॉर्डर से लेकर मुल्तान तक और बकर और थोड़ा सा ये दिया था, और केपीके और जो बलूचिस्तान था ये तो आपके साथ मिला था बाद में आके। तो ये चीजें देखें कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जो है ना मिलाई गई थी। अब हिंदुस्तान की 365 रियासतें थी। आप देखिए कि वल्लभ भाई पटेल को किस लिए वो कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी जो है उसका दिन मनाते हैं, तो इसी वजह से मनाते हैं। अगर आप हकीकत में देखें तो पाकिस्तान भी इतना सा ही था और हिंदुस्तान भी इतना सा ही था। हिंदुस्तान जो अंग्रेज लेकर गए थे, आजाद हिंदुस्तान और आजाद पाकिस्तान, वो इतने इतने ही थे। लेकिन ये बाद में जो है ना वो आने वाले बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब क्याम पाकिस्तान और क्याम जो हिंदुस्तान तो पहले से ही था। हिंदुस्तान ने आजाद होना था, जो रियासतें अलग अलग थी उन्होंने पहले से ही, ये देखिए जो रियासतें थी, जो उन्होंने रियासत हिंदुस्तान देकर गए और रियासत पाकिस्तान देकर गए, वो इतनी इतनी थी। आप इसकी हिस्ट्री देखिए कि बाकी जो उसके बाद उनके साथ इल्हाक हुए और रियासतें बन के मुतहदा हिंदुस्तान बनाए और मुतहदा पाकिस्तान बनाया गया है, तो ये सारी हिस्ट्री। और पाकिस्तान बनाया गया तो पाकिस्तान बनाने के फौरन बाद ये आप देखिए कि किस तरीके से वो नजरिया पाकिस्तान को, वो जब कहते हैं ना कि ये खलीज बंगाल में बहा दिया गया, जो रहती कहती खसर थी वो 1971 में पूरी की गई, लेकिन ये देखा जाए तो इसको नजरिया पाकिस्तान को डुबोने में जो है ना वो 1948 से शुरुआत कर दी गई थी। और उसका पहला जो बेड़ा था वो अयूब खान ने जो है ना वो उसमें ईंट लगाई थी, क्योंकि उस वक्त देखिए पाकिस्तान बनाने में कौन शामिल था, लियाकत अली खान साहब उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, वो वजीर आजम थे, उनको वहाँ गोली मरवा दी गई, कातिल को भी मार दिया गया, किस्सा ही खत्म हो गया। फिर उनका मार्शल लॉ लग गया अयूब खान साहब का, ठीक है। अयूब खान से पहले जो है ना इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो है ना फातिमा जनाह जो है ना वो इलेक्शन लड़ती हैं, मुजीबुर रहमान साहब भी उनको जो है ना पूरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ही मिलिट्री ने उस वक्त, हमारे ही कुछ सियासतदानों ने जो है ना फातिमा जनाह के खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी गलीज जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी तकरीरें आज भी पड़ी हुई हैं। देखिए ये सियासत होती है, सियासत में ये देखिए सियासत अपनी जगह जरूरी नहीं है कि वो कायदे आजम की बहन थी तो उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये सियासत की ऐसी रही है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो क्या उसको बुरा भला नहीं कहा जाता? हर तरह से वो भारत की छवि को कहां से कहां ले गया, तो क्या उसको बुरा भला नहीं कहते? यहां एक मैच होता है वर्ल्ड कप में उनका वजीर आजम आता है, मैच हार जाता है भारत उस दिन ही होता, लेकिन पूरा जो अपोजिशन है कहती है कि एक पनौती गया था मैच देखने, हार गए, तो इससे बड़ी और क्या हो सकती? ये सियासत है,
सियासत इस तरह से ऐसे अल्फाज सर, वो सियासत आप देखिए कि वो अलग सियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत है वो गलीज सियासत है, और इन्होंने अपने ही जो बानी थे जो भी पाकिस्तान बनाने में शामिल थे उन्हीं के साथ इन लोगों ने ये असर किया था। तो फिर आने वाले वक्त में देखिए कि उन अदारों ने क्या क्या किया, सबको ही होता है। मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए कौन खड़ा था, मसला ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, जो पाकिस्तान के लिए खड़े थे उनको गद्दार बना दिया गया, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। पाकिस्तान को लूटने के लिए सभी ने अपने अपने जो है हिस्से का वो फातिमा जनाब और ये सारी पार्टियां जो थी, मुजीब रहमान जो थी, ये सारे जो है ना पाकिस्तान के लिए खड़े थे, और इन्हीं को ही बाद में गद्दार करार दे दिया गया, और नजरिया पाकिस्तान को जो है ना वो खलीज बंगाल में बहा दिया गया, और शुरू से ये बुनियाद रख दी गई। देखिए अगर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बनना, पाकिस्तान बनने से पहले जो एक ऐलान होता है कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हैं वहां पे पाकिस्तान बनेगा। अब देखें ये जो पंजाब का कहता है, यहाँ कहाँ से मुस्लिम मेजोरिटी आ गई, मुस्लिम मेजोरिटी थी बंगाल में, मुस्लिम मेजोरिटी थी यूपी में, मुस्लिम मेजोरिटी थी हैदराबाद में, मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो स्टेट्स थे वो तो अलग थे। ये जहां आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है यहाँ कहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी, यहां से तो लोग मजबूरन हिजरत करके चले गए फिर हिंदुस्तान, जो यहाँ के रहने वाले थे, और कुछ यही भी रह गए। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं कि जो बनाने वाले थे वो 1971 में फिर अलग ही हो गए, उस कुछ ऐसे थे जो शामिल ही ना हो सके। तो ये वो सारी चीजें हैं, तारीख में कई सारी ऐसी चीजें हैं, बंदा उसको अब वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो हमारे अपनों ने ही डुबो दिया, जिसके नजरिए के ऊपर। हाँ तुम नजरिया पाकिस्तान कहते हो, पूरा पाकिस्तान ही डुबो दिया गया। नजरिया पाकिस्तान तो एक एक बात है, एक चीज का नाम है, ये जी नजरिया पाकिस्तान है। नजरिया पाकिस्तान था ही नहीं, नजरिया पाकिस्तान यही था कि भारत को जो आजाद हम करके जाने वाले हैं इसमें एक दाग लगा के जाना ही है, और वो दाग में अगर अकेला डाल दिया जाए जिना पे इल्जाम तो ये भी सरासर ज्यादा गलत है। गांधी, नेहरू, जिन्ना और जितने भी उस टाइम पे लीडर थे, सबकी मिली भुगत से ये सारा बना, और किसी को अगर इक्तदार की हवस थी तो किसी को लालच था कि मैं जगीरों का मालिक बन जाऊंगा, अंग्रेज मुझे बड़ी सारी जगीरें देकर चले जाएंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं, किसी नवाब को डर था कि मैं अगर हिंदुस्तान के अगर बन गया, हिंदुस्तान के साथ शामिल हो गया तो मेरी तो हुकूमत जाती रहेगी, मैं इल्हाक करता हूं, एक नया बनाते हैं पाकिस्तान और उसके साथ अंडर में अपनी वो नवाबी वैसे ही जारी रखूंगा जैसे मैं पहले से कर रहा हूं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी अपने इख्तदार और हवस की लालच जिसने एक नया पाकिस्तान बनाने की राह पे सबको डाला, और उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए था नजरिया, और नजरिया क्या था कि दो कौमी नजरिए का डाल दो बुनियाद रखी, मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों में डाल दो। हवस के लालच थी तो इसलिए 365 रियासतें बनी। हिंदुस्तान तो पहले थे भी था, जब बार मुगल आए तब भी हिंदुस्तान था, अंग्रेज आया तब भी मुगल हिंदुस्तान था, लेकिन वो जो 365 रियासतें थी वो यही अपनी अपनी जो है ना राजाओं महाराजाओं में, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उसमें हिंदू राजा महाराजा भी शामिल थे, और सब ने अपनी अपनी छोटी छोटी जो थी ना अपनी दुकानें खोली हुई थी, जिस तरह से आज पाकिस्तान में भी खुली हुई हैं। तो यही चीजें हैं कि हम ना तो उस वक्त इकट्ठे हुए थे और ना ही अब इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे इकट्ठे हो गए, हमने क्या कर लिया। आप देखिए पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ भाई, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान को इकट्ठे होने की बात नहीं कर रहा। आप देखिए आज भी अगर देख लिए जो आज हालात है हमारे पांच सूबों के, बलोचिस्तान, सरहद, केपी के, हम इकट्ठे नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के साथ इकट्ठे हो जाते तो शायद फिर भी किसी डगर पे किसी रस्ते पे चल पड़ते, फिर पता नहीं हमारा क्या होना था और क्या नहीं। ये तो वक्त नहीं बताना था कि आज ये हमारे हालात हैं, उस वक्त क्या होते। ये अब देखिए हम आज बैठे ये कह रहे हैं कि भाई शायद बेहतर होता, लेकिन उस वक्त जो थे वो इतने बेवकूफ नहीं थे, ना ही गांधी जी इतने बेवकूफ थे, और ना ही जो नेहरू जी थे जो उन्होंने उस वक्त फैसले किए, और ना ही कायदे आजम। उस वक्त के हिसाब से जब आप सोचते हो तो आप अगर आपकी जगह पे होते तो आप भी यही फैसले करते, लेकिन उस चीज को इस चीज इस वक्त के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे बाप दादाओं का वक्त था, बाप के वक्त में अगर देखिए तो वो कहते थे यार हमारे बचपन में इस तरीके से होता था, आज हम कहते थे हमारे बचपन में ऐसे होता है, हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो उस वक्त को इस वक्त के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ जो हुक्मरान है जो चीजों को बदल सकते थे, देखिए आज उनका हुक्मरान एक अच्छा आया,
उसने देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया है, रुख ही मोड़ दिया है, वक्त को ही बदल के रख दिया है। हालांकि ये भी वही हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान के बराबर ही चल रहा था, एक दूसरे के हम टांगे खींच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमत दुरुस्त की, आज वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम भी आज अपनी सीमत दुरुस्त कर लेंगे तो फिर हम भी आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि ठीक हो गया, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन जब तक हम अपनी सीमत ही दुरुस्त नहीं करेंगे तो ना ही हमें गलती की पहचान आएगी ना ही सही की। आज हमें पता ही नहीं है, हमें हिस्ट्री को इतना गड़बड़ कर दिया गया है, ना हमें पता सही क्या था और गलत क्या था। तो यही चीजें हैं कि जब हम अपने मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, पिछले जो बीत गया वो अब वापस आने वाला नहीं है, किसने क्या किया, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसको तो हम कर सकते हैं ना कि भाई आज ये बंदा गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। आज देखिए जैसे हम मीडिया के ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है, कि मोदी जो है ना उसने जो है ना इंडिया की रखत बदल के रख दी है, और हम यही भी देख ले पाकिस्तान में देख रहे हैं कि हमारे जो है ना जरदारी दौर में पाकिस्तान को कैसे तबाही के दाने में पहुंचाया गया, और आज हमारे जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्योरिटी नहीं है कि हमने अपने मुल्क के इदारों को जो है ना मजबूत करना है, अवाम को कोई सहूलत देनी है, या हमने आगे लेकर जाना है, या हमने एक मुल्क बनाया था, क्योंकि अब नजरिया ये बना दिया गया है कि बस वडेरो शाही जो है ना वही चलेगी, जमींदारी शाही वही चलेगी, जो ब्यूरोक्रेसी शाही है वही चलेगी, गरीब आदमी का गुस्साने हाल नहीं है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे जो चेहरे हैं उनसे नकाब उतरते चले जाएंगे। तो यही वजह है कि हम जो बीत गया है उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आज है अगर हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले वक्त में हम भी जो है ना जमाने की आंखों में आंख मिला के चल सकेंगे, अदरवाइज हमारा नाम भी नहीं होगा किसी मुल्क के निशानों में। चलिए जी, जो भी है बेहतर है, जो हो सका बिल्कुल उसे हम रोक नहीं सकते थे, जो हो रहा है उसको भी हम नहीं रोक सकते। और देखें भारत आज अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे है कि वो आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पे चलना शुरू कर दिया, आज वो एक बेहतर मकाम पर है। पाकिस्तान कभी आज़ाद हुआ ही नहीं, पाकिस्तान आज भी उसी गुलामी की जिंदगी में है, और जब ये गुलामी हम अपने से उतार फेंकेंगे तब कहीं जाके, और आज हमारे पास शायद वो मौका भी नहीं है उस गुलामी से निकलने का। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।